ये अब फोटो खिंचा रहे हैं आप, पहले से कह के आए क्या? नहीं सर, हमने नियो साहब को एप्लीकेशन में दिया है सर। ये रोने से क्या होता है? ऐसा है कि भागलपुर के दो शिक्षक हैं सर, एक जिला स्कूल नवस्थापित के लाइब्रेरियन है जिसका नाम अश्वनी कुमार आर्या है और एक नित्यानंद सिंह है जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है। ये दोनों मिलके हमको नौकरी का झांसा दे के सर, फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र दे के हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। इसका आवेदन जब हम डीओ साहब को दिए, सारी जानकारी दिए, तो बोले डीओ साहब हमारे हैं। विश्वास में लाने के लिए सर हमको डीओ साहब के यहाँ भी एक दो दिन भेजे थे, उनके साथ भी हम कई बार डीओ साहब के यहाँ गए हैं सर। शिक्षक बहाली में किस तरह गड़बड़ी हो रही है और पैसे की उगाही का खेल चल रहा है, इसकी बानगी भागलपुर में उस समय देखने को मिली जब भागलपुर सर्किट हाउस पहुँचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के पास एक शिक्षक अभ्यर्थी गुहार लगाने पहुँचा। अभ्यर्थी परमात्मा कुमार ने शिक्षा मंत्री से मिलकर दो शिक्षकों पर शिक्षक बहाली के नाम पर 6,33,000 रुपये ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला स्कूल के लाइब्रेरियन अश्वनी कुमार आर्या और गोराडी के शिक्षक नित्यानंद सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने अपनी ओर से दिए गए राशि का भुगतान नगद समेत चेक के माध्यम से किया। इसके अलावा फोन पर हुई बातचीत का सारा रिकॉर्ड भी मंत्री जी को सुनाया। उन्होंने अपने आवेदन के साथ मंत्री को साक्ष्य भी दिए जिस पर शिक्षा मंत्री ने समुचित कार्रवाई और एक्शन लेने का आश्वासन गुहार लगाने वाले अभ्यर्थियों को दिया। बहाली के नाम पर ठगी करने वाले शिक्षकों ने अभ्यर्थी को डीईओ और बीईओ से भी मिलवाया जिसकी जानकारी उन्होंने मंत्री को दी। डीओ साहब के यहां भी गए सर, वहां पे कुछ बोले थे। आपको डीओ साहब बुलाए थे कि आप फर्जी आदमी के चक्कर में फंस गए? नहीं सर, नित्यानंद सिंह भेजे कि जाइए डीओ साहब जो है कि मेरे आदमी आदमी के सामान देखे। ठीक है, जरूर है तब एफआईआर में जाके। एफआईआर भी किए सर, एफआईआर करने पुलिस से बात करें। एफआईआर करने के बाद मेरा जो आईओ था सर उस पे भी दबाव डाला जा रहा है, बोलता है कि मैं कुमार आर्या जो लाइब्रेरियन है सर जिला स्कूल नवस्थापित और नित्यानंद सिंह जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है सर, ये दोनों मिल के एक जाल बनाया सर और उसमें हमको फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठग लिया सर। जब हम स्कूल गए तो वहाँ पे बोलता है तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। जब हम एक बात बोली, फर्जी आदमी के चक्कर में जाने के लिए आपको कौन कहा सर? वो ऐसा मन भरम कहानी बताया उसका मेरे पास सर। वैसा फ्रॉड आदमी से संगत आपको शिक्षक के नाम पे ठग लिया गया है? अभी रोने से केस खराब होता है, रोने से आदमी अगर रोता है ये अब फोटो खिंचा रहे हैं आप, पहले से कह के आए क्या? नहीं सर, हमने नियो साहब को एप्लीकेशन में दिया है सर। ये रोने से क्या होता है? ऐसा है कि भागलपुर के दो शिक्षक हैं सर, एक जिला स्कूल नवस्थापित के लाइब्रेरियन है जिसका नाम अश्वनी कुमार आर्या है और एक नित्यानंद सिंह है जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है। ये दोनों मिलके हमको नौकरी का झांसा दे के सर, फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र दे के हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। इसका आवेदन जब हम डीओ साहब को दिए, सारी जानकारी दिए, तो बोले डीओ साहब हमारे हैं। विश्वास में लाने के लिए सर हमको डीओ साहब के यहाँ भी एक दो दिन भेजे थे, उनके साथ भी हम कई बार डीओ साहब के यहाँ गए हैं सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। जब एफआईआर हम किए सर, एफआईआर होने के बाद हम सारा साक्ष्य एफआईआर में दे दिए वहाँ पे सर कि हमने चेक के द्वारा दिया है, नगद दिया है, सारे का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर, जैसे जैसे हमारी बात हुई है सर। और उसके बाद आईओ उसका जो नित्यानंद सिंह का भैगना है जिसका नाम संतोष सिंह है, वो आईओ से मिल के और मेरे केस को ख़त्म करवाने का चक्कर कर रहा है सर, दबाने का कोशिश कर लिया जा रहा है। नित्यानंद सिंह गोकुल विवाह भवन शीतला स्थान में रह के नौकरी लगाने का काम बहुत दिनों से कर रहा है सर और करोड़ों करोड़ का गमन किया है सर। इसको नीचे करके बोलिएगा तो आएगा ना? रिश्वत के तौर पे पैसे लिए थे? नहीं, झांसा दे के बोले थे कि आपका काम हम करवा देंगे सर। कई बार इस झांसे के लिए हमको कई बार हमारे पास ये कम से कम 100-200 लोगों से लिए हैं सर पैसा, और ये एक टीचर होते हुए इनकी मकान यदि इसकी जांच की जाए सर तो करोड़ों की इनकी मकान है सर।
और शहर के कई दबंग लोगों से FIR होने के बाद सर हमको धमकी दिलवाया जाता है, केस उठा लो, कंप्रोमाइज कर लो, पैसा ले लो, 2 लाख दे रहे हैं, कभी 3 लाख दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा हम जान मरवा देंगे सर। ऐसा ऐसा हमको प्रताड़ित बार बार किया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे जो IO थे, अभी हम SP मैम से नहीं मिले, हम चाहते हैं SP मैम से मिलके इस सूचना को दिया जाए। IO को बोलते हैं वो तो मेरा मामा है, जो कहेंगे वही करेंगे। आज के डेट में हमको IO द्वारा घर पर नोटिस भेज दिया गया और हम बार बार भागा फिर रहे सर, घर में रहना मुश्किल हो गया है सर। लेकिन आपको नहीं लगता हमने रिश्वत के नाम पे नहीं दिया था सर, हमको झांसा दिया गया सर। हम रिश्वत आपका काम करा देंगे, आप DLED हैं, मैट्रिक पास, इंटर पास, आपका सारा सर्टिफिकेट है। आप ये लफड़ा सर 2018 से ही चल रहा था डेली, आज सारे चीज़ का हम साक्ष्य देंगे सर, सारे का मेरे पास ऑडियो, जो हम उससे बात करते थे सारे का मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर। आज के डेट में ये नोटिस हमको दिया गया है सर कि मूल पंजी ओरिजिनल जो वो ज्वाइनिंग लेटर मांगा जाता है हमारे पास, जो वो दिया है, जो फर्जी है सर, उसको बोलता है कि आप मेरे हमको दे दीजिए। हम किसको दे सर ओरिजिनल, यदि हम उनको दे देंगे IO को तो क्या कार्रवाई होगी सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।